शर्मा ओनली। याद रहे भाइयों, कनक शर्मा राधे भैया के कैंडिडेट हैं। हमें इस साल भी राधे भैया के कैंडिडेट को ही अपनी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी चुनना है। तो वोट फॉर कनक शर्मा ओनली। राधे भैया का कैंडिडेट जीतेगा तो उससे क्या फायदे होंगे सुनिए। आप मैथिली शो में पिक्चर जा सकेंगे और आपकी हाजिरी लगा दी जाएगी। परीक्षा में आप नकल का पर्चा ले जा सकते हैं। सुंदर लड़कियों को आँख मारने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दिल्ली की फेमस डांस पार्टी आ पहुंची है। जश्न की पूरी तैयारियां हो चुकी है, बस रिजल्ट आने की देर है। साला बहुत खर्चा हो गया इस इलेक्शन में। अगर ये इलेक्शन हार गया ना सुसाइड करना पड़ेगा मेरे को। ए हेमंत भैया, तुम काय सुसाइड करोगे? मरेगा तो कनक शर्मा, मर्डर कर दूंगा साले का। ए तेरा भेजा खराब है क्या? फालतू बात काय करता है? अरे एलेक्स भैया ने बोला है ठोक देना साले को 12 इंच अंदर तक। ए तिवारी, क्यों इतना टंडा रहा? हाँ, ऐसी बातें जोर से नहीं बोला करते। राधे! यस! हमसे आके मिल जाना, दूर दिल से ना जाना। ओ जाना, कह रहा है दिल जाना, हमसे आके मिल जाना, दूर दिल से ना जाना। ओ जाना, कह रहा है दिल जाना। इश्क में ना का मतलब तो हाँ होता है, इश्क में ना का मतलब तो हाँ होता है। ये हसीनों के बहाने यहाँ कोई नहीं जाने है, ये सदियों पुराने यारा। कभी लव ये ना खोले, सब आंखों से ही बोले जाए, ले ले हले हले यारा। ओ जाना, oh,
हो जाना, कह रहा है दिल हो जाना, हमसे आके मिल जाना, दूर दिल से ना जाना, हो जाना, कह रहा है दिल हो जाना, हमसे आके मिल जाना, दूर दिल से ना जाना, हो जाना, कह रहा है दिल हो जाना। जगाती भवरे भी करते हैं गुंजन, पंख पसारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंगन, मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भुवन, इन चरणों में फूल चढ़ाने आई तेरी राधा मोहन, मन बसिया सवेरे आपकी बिटिया के स्वर क्या पड़ते हैं कानों में महन जी, बस यूं समझ लीजिए कि सारी दुनिया के दुख दर्द मिट जाते हैं। 12वीं तो पास कर ली, अब आगे क्या सोचा है बेटी? अब ये कॉलेज जाएगी तुलसीराम जी। कॉलेज? कॉलेज जाके क्या करेगी, करनी तो शादी ही है ना। नहीं नहीं तुलसीराम जी, हमारे होने वाले दामाद जी की इच्छा है कि आगे पढ़े। अच्छा, क्यों रामेश्वर जी? हाँ चाचा जी, मैं तो बस वेद पुराण की ही शिक्षा ले सका गुरुकुल में, कम से कम ये तो ग्रेजुएट हो जाए। ओ, तो तुम्हें अंग्रेजी बोलने वाली पत्नी चाहिए? पर महंजी कॉलेज का हाल तो मालूम है ना आपको, आगरे के लड़के लड़कियां पढ़ते कम है और पिक्चर ज्यादा देखते हैं। हमारी निर्जरा ऐसी नहीं है, और फिर इसकी सहेली इंदु भी तो साथ में है, सुबह 7:35 की फ्रंटियर से जाएगी, कॉलेज स्टेशन के पास ही है, कॉलेज खत्म होते ही 4:35 की एक्सप्रेस पकड़कर वापस आ जाया करेगी। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, जब जानवर कोई इंसान को मारे कहते हैं दुनिया में नशे से सारे।
एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, पर दे दो मुझको चार। मैंने सुना है कल बड़ा हंगामा हो गया, खूब मारपिटाई की कॉलेज में। मारपिटाई नहीं भैया, मैंने उनके टांगे तोड़ दी। अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता ना तो एलेक्स के लोग कनक को मार दिए होते। अरे तुम्हें जरूरत क्या है किसी और के फटे में टांग डालने की? हाँ कमाल कर रहे हैं, मेरा दोस्त है, अगर कोई आपको मारने आता तो क्या मैं चुप बैठता? और फिर कॉलेज भी तो मेरा ही है। नहीं था, कितने साल हो गए कॉलेज पास किए हुए तुम्हें, फिर भी वहां बैठा रहता है, प्लेटफॉर्म पर टंगा रहता है बिना वजह। अरे कुछ काम वाम करना है या यूं ही आवारगी में उम्र गुजारनी है? बस भी करो ना, उसे आराम से नाश्ता तो करने दो। हाँ भाभी पूरी दो ना। हाँ हाँ, एक क्यों, 40-50 ले लो। ये फ्री का खाना खिला खिला के और सांड बना दो इसे, ताकि ये जब चाहे सबको सींग मारता रहे। लो बेटा, ये आपकी पूरी, ये आपका ब्रेड और ये आपका दूध। ये लो बेटा, खाना वेस्ट नहीं करते। राधे नहीं, राधे सुन तो सही। नहीं भाभी नहीं। देखा, उठा दिया ना बेचारी को थाली पर से। तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है, तुम्हारे लाड नहीं तो बिगाड़ा है उसे। झबरे बाल बिखेरे घूमता रहता है यहां वहां, और दो चार को भी लगाए रखता है साथ में। पता नहीं इसका क्या होगा जिंदगी में। वो राधे मोहन है, कॉलेज का पुराना स्टूडेंट। क्या बात कर रहे थे? अपने दोस्तों के साथ बैठकर नए स्टूडेंट्स की खिंचाई करता रहता है। ए, उधर मत देख, बस नीचे मुकर के चलती रहे। राधे वो देख, इंदु के साथ कोई फ्रेशर आ रही है। सुनिए, अरे इधर आइए ना। ओ आप नहीं, आप क्लास जाइए, पढ़ाई कीजिए, चलो। फर्स्ट ईयर विच कोर्स? बीए पास कोर्स। सीनियर्स को गुड मॉर्निंग कहना नहीं आता? गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं, सिपाही की तरह तन कर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ वेरी गुड, रोज ऐसे आवन जावन में सलाम ठोक के जाया करो। जी ठीक है। ये क्या है? मोर पंख। वो तो दिख रहा है, किताब में क्यों? ये नोटबुक में रखने से एक के दो हो जाते हैं। अंडे देता होगा। और इस डब्बे में हाँ? अरे वाह पूरी भाजी। अच्छी है। राधे थैंक यू यार। नहीं नहीं शर्ट नहीं यार, शर्ट आप नहीं बोलते। नहीं नहीं यार नहीं। ए राधे क्या कर रहा है यार? राधे किताब। थैंक यू जी। उससे मत पूछिए, पाप चढ़ेगा। नाम क्या है तुम्हारा? निर्जरा। मतलब? मतलब नाम है मेरा। बहुत डिफिकल्ट नाम है, इसलिए मतलब पूछ रहा हूं। वो तो नहीं मालूम। नाम किसने रखा? माँ ने रखा था। तो माँ से पूछ क्या ना कल? वो तो मर गई। बाप तो है ना? कल बाप से पूछ क्या ना। जी शुक्रिया, पाप करने से बचा लिया मुझे। जी वो टिफिन बजे तकाएगा, जाने दे। से मारता क्यों यार? ये लो। अजी सुनिए,
जब आपके मोरपंख एक से दो जाना तो एक मुझे देना। हरिओम। हरिओम बाबा। माँ ने मेरा नाम निर्जरा क्यों रखा? क्योंकि तुम्हारी माँ को मेरी माँ बहुत पसंद थी, यानी कि तेरी दादी, उन्हीं का नाम था निर्जरा देवी। और उसका अर्थ क्या होता है बाबा? यह अर्थ जानने की तुझे आज क्या जरूरत पड़ गई? बताओ ना बाबा, सब मुझसे पूछते हैं और चिढ़ाते भी हैं। इस नाम का मतलब होता है, बोलने में क्या जाता है यार। हेलो। पैसे ये ले। अरे ए चंदू, हाँ इसे चाय पिला दे। ठीक है राजे भैया। पागल। अरे खैर ना, देता हूँ ना, चारा करू क्या? छोड़ छोड़, क्या कर रही है? ले ले, क्यों तंग करती है? बाय राधे, चल कनक। बाय असलम। बाय कनक। बाय बाय चंदर। गुड मॉर्निंग सर। अरे गलती हो गई भैया, आपको माफ कर दे। आइंदा किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। मैं पाँव पड़ता हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ भैया। मुझे माफ कर दे भैया, एक बार माफ कर दे भैया, एक बार। रुपया। पियो। पियो। विनती बेटा। जी। तू ऊपर जा रही है तो अपने चाचू को उठा देना। सोने दो ना चाचू को, आज तो संडे है। अरे संडे की बच्ची, आज उसका जन्मदिन है। जन्मदिन? जल्दी से उठा दो उसे, फिर हम सब लोग तैयार होकर वृंदावन जाएंगे पूजा के लिए। ये लो भाई साहब, कितने पैसे हुए? अरे नैनी साहब, राधे भैया से पैसे कैसे ले सकते हम? जी हाँ साहब। नमस्ते राधे भैया। देखा देखा, आपने देवर का रुआब देखा? फूल वाला इनसे पैसे नहीं लेता, लोग इनके डर के मारे सलाम किए जा रहे हैं। डरते नहीं, इज्जत करते हैं, और वो भी आपको रास नहीं आती। देखो तुम ये बातें हैं, अब मैं चलूं या जाऊं? अरे ऐसे किसे जाओगे? हाँ आप भी ना कमाल करते हैं, आज हमारी राधिका जन्मदिन है, कम से कम आज के दिन तो इसे ताने मत मारो। अब चलो आओ। गुरु ग्रे पढ़ल रखो राई अल्प काल विद्या बहुआई गुरु गृह गयो पढ़ल बेटी, घर में थोड़ी खीर बना लेना, रामेश्वर को पसंद है। जी बाबा।
प्रसाद किस नाम से चढ़ाना है? हमारे राधे मोहन के नाम से। सुनिए, इधर आइए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो तुम महंत की बेटी हो? हाँ, ब्राह्मण है हम। बाबा कहते हैं हमारे पूर्वज इसी मंदिर में महंत हुआ करते थे। मुझे मेरे पूर्वज के बारे में कुछ पता है नहीं, लेकिन इतना पता है कि मेरे परदादा अंग्रेजों की टीम में हॉकी खेलते थे, एक्स्ट्रा में। मेरे दादा ध्यानचंद और ज्ञानचंद की टीम में हॉकी खेलते थे, वो भी एक्स्ट्रा में। फुटबॉल खेलते हुए मेरे बाबा का अंगूठा टूट गया और उन्होंने हॉकी की दुकान खोल ली। इसीलिए आप सबको हॉकी से मारते हैं जी? क्या हुआ? जी, बाल चले गए हाथ में। ये लीजिए, थोड़ा सेक लीजिए। तो तुमने अपना नाम का मतलब पता लगाया? हाँ। बताओ। निर्जरा। जरा यानी मृत्यु, तो निर्जरा का मतलब हुआ अमर। हाँ, इसका एक धार्मिक अर्थ है। कर्मों के बंधन में फंस के आत्मा मलिन हो जाती है और तप करने से कर्मों के बंधन कट जाते हैं, उसे कहते हैं निर्जरा। ये लीजिए। क्या ये? गुजिया। दो तीन और देना जी। भतीजी के लिए। कहां से लिए? लिए नहीं, खुद बनाए हैं। दोनों बहुत अच्छी हैं, गुजिया भी और तुम्हारा नाम भी। नाम तो तुम्हारा भी अच्छा है। राधे मोहन किशन का दूसरा नाम है, पता है तुम्हें? गौर फरमाइएगा साहिबान, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। आइए राधे भैया सुनिए, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, मेहरबानी। क्या बात है चंदन। And the next contestant is Miss Nirjara Bhardwaj from City College. आ गई सिटी कॉलेज की जय भदुड़ी। अभी कविता सुनाएंगी और बोर करेंगी। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। अरे वाह वाह, क्या ठसका लिया, हाय हाय हाय। तारे क्या है, रात की सूरज यूं पश्चिम भी है एक पूरब। अरे जोग्राफिया तो समझ में आ गया, आगे भी तो बोल। निर्जरा बोलो, आगे बोलो। आगे बोलने नहीं देते हैं ये। अरे और क्या सुने, उत्तर पूरब में है, पूरब दक्षिण में। अरे आगे भी तो बढ़, बोल। अरे हाँ हाँ, राधे भैया स्टेज पे आकर कुछ गाना वाना सुनाइए। अरे राधे भैया हो जाए एकदम ठुमके। देखिए, स्टेज पर चढ़कर माइक पे बोलने की तकलीफ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी कविता बहुत अच्छी लगी। अब अगर ये कविता मुझे अच्छी लगी है तो जाहिर है कि आपको भी अच्छी लगनी चाहिए, समझे? अब जिन लोगों को मेरी बात समझ में आए वो चुपचाप बैठ करके कविता सुने, और जिन लोगों को नहीं समझ में आए वो भी चुपचाप बैठ करके कविता सुने। सब कंट्रोल में आइए। तालियां। तारे क्या है, रात के सूरज यूं पश्चिम भी है एक पूरब। धरती है सूरज की बेटी, आकर्षण शैया पर लेटी। सूरज आग भरी एक गगरी, छलके निस्तिन नगरी नगरी। नीला गगन कहाँ है, क्या है, केवल नजरों का धोखा है। राधे जी, कविता खत्म हो गई।
तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तेरी छोटी छोटी बात, तेरी हर एक मुलाकात तड़पाए मुझको, लम्हा लम्हा तेरा साथ, लम्हा लम्हा तेरा साथ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। भाभी, इतनी रात को तू यहाँ, क्या बात है? नींद नहीं आ रही थी, किताब लेने आया था, पढ़ूंगा। अरे इतनी रात को तुझे किताब की क्या जरूरत है राधे? गुड नाइट भाभी। अरे कुछ बोल तो, कमाल है। बस बस यहाँ रुक दो। जी 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 जी, जीजा जी और राहुल नहीं आए? ये तो हदी हो गई। रुपयों के लिए भला कोई बच्चे को मां से कैसे छीन सकता है? हे भगवान, पहले तो ये आत्माराम 20-30 हजार की ही मांग किया करता था, अब तो सीधा 2 लाख मांग रहा है। ऐसे चुप बैठे रहने से कुछ नहीं चलेगा गुरुजी, कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे अब उस आदमी के साथ रहना ही नहीं है। मैं यही रहकर कुछ ना कुछ कामकाज कर लूंगी, आप लोगों का हाथ बटाऊंगी और कुछ दिनों में रुपयों का इंतजाम करके मैं अपने राहुल को वापस ले आऊंगी। कितना परेशान हो रहा होगा मेरा राहुल। ओरे ताल मिले नदी के जोर से, इनसे पूछे, मैं पूछती हूँ। माली जी सुनिए, 7/36 यही है? हाँ यही है, बोलो। वो जो रहते ना उनसे मिलना है। मैं ही आ रहता हूँ, बोलो। नहीं तुम नहीं, वो राधे सर से मिलना है। किस लिए? वो हम उन्हीं को बताएंगे, तुम जाकर कह दो कोई मिलने आया है। अच्छा अच्छा, अंदर बैठो, बुलाता हूँ।
हाँ बिंदी बेटा, कौन है? असम दर्द के पैंट की फिटिंग बराबर के। गुड मॉर्निंग सर। जा। ओके। बैठी ना, प्लीज सेट। बैठी बैठी। कहीं कांच ना टूट जाए। कहीं कैसे आना हुआ? जी वो। इनका नाम क्या है? इंदु। इंदु जी, इन्हें बोलने दीजिए ना। बोलिए। जी वो। कुछ मत बोलिए। पहले बताइए क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? चाय, कॉफी, ठंडा, समोसे, बिस्किट? जी अभी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, आप पहली बार घर पे आइए। कुछ ना कुछ तो। असलम। हाँ बोल। जा जरा दो डाइट कोक और पहलवान के समोसे लेके ना। समोसे बहुत अच्छे बनाता है वो। और सुन। हाँ। सिगरेट दे जा यार, मेरी सिगरेट खत्म हो गई। ये ले। और सुन, जल्दी आ जाना। अच्छा। असलम इधर आओ। जी बड़े भैया। कौन है? ये मेरे कॉलेज में पढ़ती हैं। अच्छा अच्छा। सर सर एक समस्या है। दरअसल कल से सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हैं और बेचारी निर्जरा बहुत परेशान है। क्यों, पढ़ाई नहीं की क्या? नहीं, असल में वो नहीं सर, इसका एडमिशन कार्ड खो गया है। जी, किताब में ही रखा था, पता नहीं कहाँ खो गया। तो वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लिखा है कि बिना कार्ड के परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम लेके आप मेरे पास आई हैं। चलो मैं ऐसा करेंगे कि नोटिस बोर्ड को उखाड़ के फेंक देंगे। वहां नोटिस बोर्ड उखड़ा, यहां आप एग्जाम में बैठना। जी वो प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करके नहीं हो सकता है? देखिए निर्जरा जी, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूं और फुल एंड फाइनल हो जाता है। डाइट कोक, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। अरे लेके 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 लीजिए प्लीज, यहां पर रखिए। एक लीजिए ना डाइट कोक, ये लीजिए। समोसा लीजिए, हियर आप ये ले। आप डाइट कोक पीजिए, समोसा खाइए और टेंशन मत लीजिए। और ये आप लीजिए। हेलो राधे सर, किसी और चीज की जरूरत हो तो भिजवाऊं क्या? नहीं शुक्रिया, सब कुछ है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं, आपकी भी नहीं। ये ले पकड़, अब ये फोन कभी नहीं बचेगा। कमाल है मैडम, लोग कर्जा लेते हैं मकान खरीदने के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी बीमारी के खर्चे के लिए, मगर आपने तो वजह लिखी है कुछ। ससुराल वालों के मुंह पे पैसे मारकर अपना बच्चा वापस लाना है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मैडम, जहाँ पर हमने श्योरिटी मांगी थी वहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा है? गिरवी रखने को कुछ होता तो मैं यहाँ लोन लेने क्यों आती? देखिए आप अपना कर्जा वापस लौटा देंगे, उसके लिए कुछ तो गारंटी चाहिए ना। मतलब ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती? आप एक काम कीजिए, मुझे ईमानदारी दे दीजिए, उसे मैं गिरवी रख लेता हूँ। ठीक है, लाइए दिखाइए कहाँ ईमानदारी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई लोन वोन, धन्यवाद, और बहुत मिल जाएंगे मुझे लोन देने वाले। मेरे तो सारे पेपर्स बहुत अच्छे रहे। पेपर्स तो मेरे भी बहुत अच्छे गए, मगर थोड़ा डर लग रहा है। अरे डर मत, भगवान सब ठीक करेंगे। निर्जरा जी। गुड मॉर्निंग सर। एग्जाम कैसा गया? अच्छे गए, थैंक यू। अगर नंबर वगैरह बढ़वाने तो मुझे कह देना, मैं करवा सकता हूँ। जी जरूर। हाँ आप इन्हें मुझसे बात करने दीजिए ना। जी थैंक यू। ओके थैंक यू सर। क्या राधे भैया, बड़ा थैंक यू बोल गई, बात क्या है? कुछ नहीं यार, आइडेंटिटी कार्ड खो गया था, एग्जाम्स में बैठने के लिए मुझे मदद ली थी। अरे ये तो बड़ी लापरवाही की बात है। हाँ? ए लड़की। अबे छोड़ यार, शरीफ लड़की है। शरीफ लड़की यानी प्यारी लड़की, यानी भोली लड़की, यानी अच्छी लड़की। जनाब के कुछ तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अच्छी लड़की से तुम्हारा मतलब? गाना अच्छा गाती। तुम्हें गाना कब सुना दिया उसने? मंदिर में भजन गा रही थी। यार भजन तो इसकी दादी भी अच्छा गाती। हाँ? है, मेरी नानी भी अच्छा गाती है, उनका भजन सुने तो कभी मंदिर नहीं गया यार। अरे यार भैया और भाभी लेके गए थे मुझे।
अच्छा मतलब सिर्फ भजन अच्छा गाती ना, और थोड़ी कुछ होगा है? नहीं वो क्या बोलते उसको, हाँ गुजिया, गुजिया अच्छा बनाती। तूने गुजिया भी खा लिया? हाँ। ये तेरी आंखें लाल लाल क्यों है? हाँ? हाँ? रात को नींद नहीं आई यार। नींद गई, चैन गया, मेरे भाई भूख भी लगती है कि वो भी गई। गारिंग टेक, राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए। देखो देखो हमारे शर्म के चेहरा कैसे लाल हो रहा है। अबे बेकार की बातें मत करो असलम। हाँ? ये राधे आजकल कुछ बदला बदला सा नजर आता है। अरे भाभी वो तो इश्क में निकम्मा हो रहा है। क्या तू सच कह रहा है? लो तुम्हें नहीं मालूम, अरे उस दिन जो लड़की तुम्हारे घर आई थी जिसके लिए मैं समोसे और डाइट कोक लेके आया था। हाँ, मुझे कुछ लग तो रही थी गड़बड़। वो अपने पुजारी नहीं है जो मंदिर में नंगे बदन घंटी बजाता रहता है, उसकी बेटी है। चुप कर, बड़ों के बारे में ऐसी बातें करते हैं? हाँ जी, अब आपके समधी जी जो होने वाले हैं। बदमाश। आ गया राधे। भाभी क्या 1000 रुपए दो ना, अभी लाती हूँ। थैंक यू। और राधे क्यों असलम, ले लड्डू खा। जिनके मन में लड्डू फूटते हैं उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुझे बहुत जरूरत है तू खा ले। ये ले। थैंक यू भाभी। ये क्या, मुझे सिर्फ 1000 बेची भाभी। रख ले जरूरत पड़ेगी। अरे 1000-2000 क्यों, 5-10 हजार ठूस दो इसकी जेब में। घर खर्च में से नहीं है, मैंने जो गुल्लक में बचाए थे उसमें से, रख ले। थैंक यू भाभी। चलो सर, बाय भाभी। बाय भैया। क्या जरूरत थी उस नाले को और पैसे देने की, पहले क्या कम बिगड़ा हुआ है जो तुम उसे और बिगाड़ रही हो? नहीं जी, अब हमारे राधिका बिगड़ने का नहीं सुधरने का समय आ गया है। क्यों, कोई आकाशवाणी हुई है क्या? उसे प्यार हो गया है। क्या प्यार हो गया? राधे को प्यार हो गया? हाँ। पता नहीं किसके भाग फोड़े गई। जी कैसी आराम शराम बातें कर रहे हो, ये तो पूछा ही नहीं कि लड़की कौन है। जैसे बिना पूछे तुम बताओगी नहीं। उस दिन मंदिर में मिली थी ना, कितना मीठा गा रही थी, पुजारी जी की बेटी, अपने घर भी तो आई थी। हाँ 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 हाँ। उसे देखकर ना मुझे अपनी बहन की याद आती है। भगवान, फिर शुरू। जो इस दुनिया में नहीं है, वैसे ही नैन नक्श, वही मुस्कान, वही हंसी। चलो 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 सब लोग बाहर निकलो। चलो 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 मैडम, चलो चलो मैडम, चलो आप भी निकलो। अबे चश्मिश, 3 साल से टॉप कर रहा है, अभी चैन नहीं आया तुझे? चलो ये लो इनको, लो माँ बनने की उम्र है और पढ़ाई कर रही है। ए असलम तमीज से बात कर, मैडम है। मैडम मैडम आप कृपा करके बाहर जाएंगी प्लीज। मर गए। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ यार, गुड लक। गुड मॉर्निंग सर। खाना खाया आपने? जी। आजकल मेरे दोस्तों ने एक नया निकाला है, वो कहते हैं कि मेरा मामला फिट हो गया है, सेट हो गया है, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि टिल द टाइम आई डोंट हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आई डोंट बिलीव इन। हाँ ये अलग बात है कि 1.5-2 हफ्ते से मैं कुछ चेंज सा हो गया हूँ, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहा हूँ, सोचता हूँ कि एक अच्छी सी नौकरी ढूंढकर नौकरी कर लूं, किसी अच्छे से पेयर बार में एक बाउंसर या बॉडीगार्ड की नौकरी। जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। यही तो बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है मैं आपको समझाता हूं, देखिए ये और ये, गौर से देखिए। क्या बजी? ताली है ना? कैसी बजी? जब ये हाथ और ये हाथ ऐसे मिले। अब आप एक हाथ हो और मैं दूसरा हाथ, हमको भी ऐसे मिल जाना चाहिए। फिलॉसफी के रूट से समझा रहे हैं राधे भैया। अब तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मेरे परिवार वाले तुम्हें स्वीकार करेंगे कि नहीं, है ना? आ रहा है ना? उसकी फिक्र मत करो, ऑर्थोडॉक्स है जरूर, लेकिन अगर 1-2 दिन खाना नहीं खाऊंगा ना मैं तो सब ठीक हो जाएंगे। और अगर तुम्हारे पिताजी ने कुछ आनाकानी की तो खुले हाथ से उनके कान के नीचे उनके गर्दन पर एक करारा चमाट मारूंगा। शादी के 10 दिन बाद उठेंगे कहते हुए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ।
देखो सुन रही ना, मैंने तुमसे क्या कहा? फुल एंड फाइनल। थैंक यू, गुड डिसीजन। वो बाय। लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी आए लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी आंखें तेरे दर्द को तरसे मुखड़ा तेरा जोगिया चांदनी में कही जैसे खिलता कमल ऐसा मुखड़ा तेरा जोगिया सादगी में कही जैसे ताजा गजल ऐसा चेहरा तेरा जोगिया मेरी लगन लगी मेरे ख्वाबों में धड़कनों में समा आके जलवा दिखा जोगिया क्या राधे भैया, एक तो इतने दिनों बाद कैंटीन में आए हो, ऊपर से मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है भैया? जरूर कुछ लड्डू फूट रहे मन में। ए प्यारे, यारों से मत छुपा, बता बात क्या है? यानी मामला गिफ्ट लेने देने तक पहुंच गया है? भाभी के लिए लाए ना, भाभी के लिए। शर्मा रहा फंटा। ओए राधे, राधे निर्जरा।
चंदर, इसके भाई का नाम क्या है? भाई नहीं है, मंगेतर है, रामेश्वर। लेकिन आप टेंशन मत लो, रिश्ता अभी पक्का नहीं हुआ है, सिर्फ बात हुई है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे क्या हुआ भाई साहब? पहले बाइक स्टैंड पे तो लगाइए। हाँ पर बात क्या है? बताते हैं पहले इस तरफ तशरीफ तो लाइए। अरे मास्टर, एक चाय लाना साहब के लिए। अरे चाय नहीं, एक स्पेशल कॉफी भेजो साहब के लिए, एस्प्रेसो। नेस्कैफे। अरे नहीं, चाय कॉफी नहीं पीऊंगा, पूजा का समय हो गया है, घर जाना है। भाई भगवान कहाँ भाग रहे हैं? वो वहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। अबे बैठना। हाँ तो आप इन्हें जानते हैं? नहीं, कौन है ये? अरे आप इन्हें नहीं पहचानते? अपने लोगों को नहीं पहचानते? अरे तुमको तो डूब के मर जाना चाहिए भाई। अरे भाई रिश्तेदार होते ही हैं तुम्हारे। रिश्तेदार? कहीं ये चंपा खेड़ के? अरे भाई साहब, गोत्र क्या है आपका? अबे गोत्र का मुरब्बा बनाएगा तू? मेरे भाई गोत्र गांव से नहीं, निर्जरा की तरफ से रिश्तेदार होते ही हैं तुम्हारे। वो कैसे? बहनों ही होते हैं तुम्हारे। जी जा जी। ए चुंडी, जाओ जाओ, जीजा जी बुला रहे हैं। जी देख, एक ही बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना, मेरा उसका चल रहा है। किसका? निर्जरा का। मैंने कल सब बात तय कर ली उसके साथ, फाइनल, समझा? हाँ, आगे से कभी उसके साथ दिखाई मत देना। अगर तू उसके साथ दिखाई दिया तो तेरी चोटी में सिगरेट की बत्ती लगा दूंगा, रॉकेट की तरह जाएगा आसमान में, समझा? क्या बात है अर्चना, इस बार बहुत कम पैसे जमा किए तूने बैंक में। क्या करूँ सना, सारा पैसा तो दलाली में काट लेते हैं ये लोग। लेकिन मुझे कर्जा तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हे भगवान, ये तो हद ही हो गई, यहाँ बस्ती के बीचों बीच चकला खोल दिया इन लोगों ने। हाँ। आज उर्मिला की पिक्चर देखी? बातें बंद करो और काम पे जाओ। तुम 3 नंबर में जाओ, तुम 5 नंबर में जाओ। अरे भाई, जिसका मकान था वो तो दुगने दामों में बेचकर खुद मुंबई जा बसा, अब ये लोग बस्ती छोड़कर जाने वाले नहीं है, भगवान जाने क्या होगा। निर्जरा, निर्जरा रुको। वो मैं कल कॉलेज में निर्जरा। कुछ नहीं, जा इधर से, नहीं उधर से जा। जरा मैं यहाँ बैठती हूँ, तू वहां बैठ जा। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। हाय निर्जरा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। एक्चुअली कल ही खरीद ली थी मैंने, वो चिंडी को देख मेरा मूड खराब हो गया। मेड टू ऑर्डर है ये, तुम्हारे पैर में बहुत अच्छी लगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। शर्मा रही हो? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, ले लो ना। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। नहीं नहीं, जैसे तुम सोच रही वैसा नहीं है, ये सिल्वर नहीं है, ये वाइट गोल्ड है, वाइट गोल्ड मेड टू ऑर्डर है। देखिए, जो विचार आपके मन में है मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस दिन लाइब्रेरी में तुमने कह दिया कि तुम मुझसे। देखो सब लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो मेरा बन रहा है, सब लोग कॉलेज में मुझ पे हंसते हैं, लेकिन मैं इनकी कोई फिक्र नहीं करता।
हमको उनकी कोई फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी ले भी लो ना। हे भगवान, मैं विद्या की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। निजरा, कि तुम्हें मुझ में कोई कमी दिखती है, कि कोई बुरी आदत है, कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मुझे बता, मैं सब कुछ बदल दूंगा। निजरा, निजरा सुनो, मेरी बात सुनो। डोंट टच मी, हाथ मत लगाओ मुझे। गुंडे, मवाली कहीं के। साला मुझे पहले ही मालूम था ये होने वाला है। अरे भाई, हमने तुझसे कहा था कि भाभी को आई लव यू बोल, तुझे हैप्पी मैरिड लाइफ भी विश किया था, ऊपर से तू बोल के आता है तेरे बाप को उल्टे हाथ का दूंगा। शादी के 10 दिन बाद उठेगा और पूछेगा कहाँ हूं मैं, कहाँ हूं मैं। अरे यार, जो हो गया उसे छोड़ो, आगे की सोचो। मेरे पास एक आइडिया है। देख राधे, निर्जरा के साथ रहती है ना उसकी बेस्ट फ्रेंड इंदु, तू पहले उसे पटा ले, वो निर्जरा को पटा देगी। चुप, यहां इससे एक लड़की पटनी थी, तू दूसरी पटाने की बात कर रहा है। अरे मेरे पास भी एक आइडिया है। ऐसा करते हैं, ताजमहल पे जाके लिख देते हैं, राधे मोहन की ओर से निर्जरा भाभी के लिए। देखना, पढ़ते ही मोम की तरह पिघल जाएगी। क्यों, आइडिया पसंद नहीं आया आप लोगों को? तू चने खा। देख राधे, उसने तुझे गुंडा कहा ना, तो तू एक काम कर, आज के बाद मारपीट और गुंडागर्दी बंद कर दे, एक नेक और शरीफ बच्चा बन जा, देर सवेर तेरा काम बन ही जाएगा। एलेक्स तो ठीक है। आई एम सॉरी एलेक्स। लौंडिया साथ में है तो ज्यादा लहरा के चल रहा है। सॉरी बोला ना यार। सॉरी बोले सब ठीक हो जाएगा। ए एलेक्स, अभी नहीं कहता तेरे चाचा। ये क्या, कोई बचाओ मुझे। क्यों बे, शर्म नहीं आती ना, पिट पिटा के दुम हिलाते हुए आगे राधे मोहन जी से प्रसाद लेने? नहीं, अबे मुसीबत में कुछ लोग भगवान को पुकारते, कोई शैतान को, और एक साला तू है, राधे राधे करके चिल्ला रहा था। समझ क्या रखा यार तूने, मतलब हमारे दोस्त हो तो मुसीबत में तुम्हारे लिए कहीं भी पहुंच जाए, कुछ भी कर देंगे। हाँ, अगर तू शलवार कमीज पहन कर गुजियाएं भुजियाएं लेके आएगा ना, तब तेरे तलवे भी चाटने तैयार रहेंगे हम। असलम, असलम छोड़ना, बेकार की बात मत कर। सुना सुना तूने? अबे जा जा, रास्ता ना अपना, यहाँ कोई दोष वोष नहीं है, यहाँ सिर्फ एक मजनू रहता है जो अपनी लैला के चक्कर में दीवाना हो गया है, और वो लैला जो उसे टके के भावनी पूछती है, और बहुत जल्द वही लैला
किसी और से शादी करके इसको ठेंगा दिखा के जाने वाली है। क्या तू इनको क्या सुना रहा है? मुझे सुना ना। तेरे से क्या बात करूं, तेरे से बात क्या करूं? हैं, तू बात करने लायक है? मानना चाहता है? अबे चल बॉडी किसको दिखाता है? मारना चाहता है? जब तुमको बॉडी दिखाता है चल मारना। उठ चुप चुप। मेरे को मारा तूने? मैं तू सर किसी और से शादी करेगी? शादी करके जाएगी वो। तुझे क्या लगता है उसने शादी कर ली तो मैं जी पाऊंगा उसके बिना? बोल ना, जी पाऊंगा उसके बिना? हट इधर, ठेंगा दिखाएगी मुझे? दोस्त होके बद्दुआ देता तू मुझे? बुज्जिया बुज्जिया राधे 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 छोड़। मानना, यहां तो तेरी निर्जला नहीं है ना, तो आज की रुक गया छोड़। ये लीजिए सर आपके लिए। चंदन सॉरी यार। सॉरी यार, अबे तूने तो कहा था मारपीट छोड़ दे, अच्छा बच्चा बन जा। गलती हो गई मुझसे। सुन, तू मेरी तरफ देख तो सही। क्या? आई लव यू यार। अबे इतनी जल्दी पिघल गया, काश तू निर्जरा होती। यार फिर निर्जरा, तू उसको भूल क्यों नहीं जाता यार? क्या करूं यार, भुलाने की कोशिश करता हूं, भुला ही नहीं पाता। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी है। किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, हो इश्क है तू हमारा सनम। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम,
हो जिंदगी का गुजारा सनम। नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में। विरहा की अग्नि में पल पल तपती हैं, अब तो सांसें तेरी माला जपती हैं। तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा सनम। हो हर सितम है गवारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। हो जीवन अपना सारा सनम। तकलीफ हो रही है भगवान, आजकल सांस भी नहीं ले जा रही है मुझसे। मेरे लिए प्लीज एक इतना छोटा सा काम कर दो। इतनी ताकत दो मुझे कि मैं उसे बुला सकूं। अरे अरे तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अच्छी चीज छुपाते हो, बुढ़िया मुझे देते हो, नशे में समझते हो। अरे ये अच्छी है, ये अच्छी है। अरे अरे जाती कहाँ है, पूरे पैसे करूंगा। तू कौन है, तेरी तू कौन है साले? साले तू रुक यहीं पे, ब्राह्मणों की बस्ती में चकला खोल के क्या गंद खाना मचा रहा है। राधे राधे, वो चकले के पास साला एक लड़की छेड़ रहा था, उसने मेरे को मारा यार। चल इधर जा, चल मेरे साथ। ये था नहीं, नहीं? ये नहीं, नहीं। क्या है बे? कुछ नहीं, इधर जा। नमस्ते। सुनो, बड़ी देर से इंतजार कर रही हूं, मेरे रुपए लाए कि नहीं? वो अंकल मुझे यहाँ लाए थे, कहा था पूरे 2,00,000 रुपए दिलवाएंगे। अपने ससुराल जब जाओगी ना, भी वहां रुपए मिल जाएंगे तुम्हें। ए, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। यस सर। ससुराल वालों को ये तो देने रुपए, मैंने अंकल को भी बताया था। जरा जल्दी कीजिए ना, मुझे घर भी जाना है, मेरे रुपए दे दीजिए। दिखती हूँ शरीफ खानदान की और करती हूँ धंधा, शर्मानी चाहिए तुम्हें। क्या कहा, बकवास करते हो मेरे साथ, जबान काट कर फेंक दूंगी। अरे रुपए तो दे रहे हो, कोई एहसान नहीं करो मुझ पर, महीने का ब्याज भी तो लोगे। नहीं चाहिए तुम्हारे रुपए, मैं अपने घर जा रही हूं। रुको, घर नहीं जाओगी, यहां से निकलोगी तो बड़े घर जाओगी। क्या मतलब? ये देखो, ये चकला है और ये पुलिस की रेड। हे भगवान, ये मैं कहां आ गई? डालो इन सबको गाड़ी में, चल चल चल।
आइए बैठिए। यार कितनी देर से फाइल मांग रहा हूँ, दिखता नहीं है क्या? अरे वो सामने रखी है। अरे ले क्या फाइल। हाँ भाई क्या काम है? अरे भाई कौन हो तुम भाई? अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई बिहेव योरसेल्फ, सुनो मेरी बात तो सुनो। अरे अरे क्या कर रहे हो यार? अरे भाई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अरे शर्मा जी से जाके अपनी बीवी को ले आना, नहीं तो नाश्ते में 4 फटके खाएगा मुझसे और रात के खाने में 8 फटके खाएगा, ठीक है? और उनसे बहुत इज्जत से पेश आना, नहीं तो मुझे फिर से आना पड़ेगा। चल असलम। अरे चुंडी तू इधर क्या कर रहा है? आप इन्हें जानते हैं राधे जी? नहीं चुंडी, और क्या फर्क पड़ता है? हेलो चुंडी। जीजा जी सीमा जी जी जीजा जी आए राहुल को लेकर। ये आपकी नाक को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो वहां वैसी वो मम्मी राहुल मेरा बच्चा। ममता तुम सामान बांध लो, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। लेकिन वो रुपयों का इंतजाम तो? अरे रुपये पे कुछ नहीं चाहिए, और भूल जाओ सब कुछ, जल्दी से तैयार होके मेरे साथ चलो। हाँ चरण, सिर्फ 2 मिनट लिए मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। जो तुम मेरे बारे में सोचती हो बिल्कुल गलत सोचती हो। तुम क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। 2 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं। सुना तुमने? और खबरदार मेरा पीछा किया तो। मंदिर में लड़की छेड़ता है, बस्ती में आकर छेड़खानी करता है। बोल नाम क्या तेरा? छेड़ता है? रहता है। नाम क्या तेरा? बोल। राधे नाम है मेरा, माफ कर दो। ये यहाँ गई है तो यहाँ जाएगा। तेल चढ़ा दिया? हाँ, आज इन्हीं की कृपा से मेरी बहन का घर फिर से बसा है। नहीं निर्जरा, ममता का घर इनकी कृपा से नहीं बल्कि राधे की कृपा से बसा है। कर्ज मांगने के चक्कर में चकले तक जा पहुंची थी तुम्हारी बहन, ऐन वक्त पर राधे वहां ना पहुंचता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। यह बात खुद मुझे ममता ने बताई। तुम्हारे जीजाजी की अक्ल भी उसी ने ठिकाने लगाई थी, तभी तो चुपचाप आकर ममता को अपने घर वापस ले गए। राधे को तो पता ही नहीं था कि ममता तुम्हारी बहन है। अब जरा सोचो, कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी का उजड़ा घर फिर से बसा दे तो क्या वो बुरा इंसान होता है? हां ऊपर से वो सख्त है, उजड़ है, मानता हूं मैं,
वैसे तो भगवान भी पत्थर के होते हैं, तो क्या हम उनकी पूजा नहीं करते? सच तो यह है निर्जरा की वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार। जरा सोच कर देखो, उसने कभी तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की, कोई फायदा उठाने की कोशिश की? अरे छुआ तक नहीं उसने तुम्हें। सोच रही हो कि मैं ये सब तुमसे क्यों कह रहा हूं? निर्जरा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि वो मुझसे बहुत अच्छा इंसान है, मुझसे, तुमसे, ऐसे हजारों से बहुत अच्छा। जान दे सकता है वो तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हारा सही जीवन साथी राधे मोहन है, मैं नहीं। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं, लेकिन जब से तुमसे प्यार करने लगा हूं ऐसा लगता है कि मेरी सारी शादी शुरू हो गई है। मैं सोचता था कितने बेवकूफ होते हैं वो लोग जो प्यार की खातिर, मोहब्बत की खातिर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन आज पता चला है कि वो ठीक ही करते हैं। इस पल पल के मरने से तो अच्छा है कि एक ही पल में मुक्ति। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम विधवा हो जाओगी और मैं तुम्हें विधवा देख नहीं सकता। सच तो ये है नहीं लूटना चाहता, मैं सिर्फ 2 मिनट चाहता हूं तुमसे कि तुम मेरी दिल की बात सुनो। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो और मुस्कुराती रहो। तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या कर रहा हूं? देखो, सारी दुनिया प्यार में पड़ी हुई है, सिर्फ एक मुझे हक नहीं है कि मैं किसी से प्यार कर सकूं, कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों?
हम सब तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। मैं, भैया, भाभी, बिनती, मेरे सब दोस्त, और ये जो लड़का तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए चुना है, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का होगा। एक काम करो, तुम उसको भाई बना लो या उसे दोस्त बना लो, मैं तुम्हारे दोस्त को स्वीकार कर लेता हूं। मैं पंडित जी की बेटी को जिंदगी देना चाहता हूं, और वो पंडित मेरी जिंदगी छीनना चाहता मुझसे। अरे अगर मैं पंडित नहीं हुआ तो मैं अछूत हो गया। क्या होगा तुम्हारा भविष्य उसके साथ? जब मैं सोचता हूं ना तुमको उसके साथ, तो मेरा दिमाग चकरा जाता है। सुनो, ये सब सुनने के बाद तुम्हें इतना तो समझ में आया होगा ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और उसके बाद भी इतना समझ में नहीं आया तो मैं तुम फिर एक काम करता हूं। चली जा यहां से, चली जा, चल से मत, चले जा यहां से, नहीं तो मैं मार दूंगा, चल से मत। लेकिन फिर मैं भी जी की क्या करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता, एक पल। हां, मैं तुम्हें यहां जबरदस्ती उठा के ले गया हूं, हां मैं तुम पर चीख रहा हूं, धमका रहा हूं तुम्हें, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो, मेरे लिए बनाई गई हो। पूछो अपने भगवान से, पूछो, मैं बहुत तकलीफ में हूं, बहुत तकलीफ में हूं मेरे भगवान। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ओढ़नी ओढ़ के नाचो, ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ के नाचो, ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ के नाचो, के नाचो ओढ़नी। का छाया खुमार के दिल परदेसी हो गया, हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। ओढ़नी ओढ़ के नाचो, ओढ़नी
में चूड़ी पायलिया बोले आजा डोली लेके आजा साजना तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की मिलना हो तो ऐसा हो सदियों तक ना दूरी हो मैंने बरसों किया इंतजार ओ दिलदार बेकरारी में भी आया करार के दिल परदेसी हो गया हो हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया हर कसम तोड़ के नाचूं हर कसम तोड़ के नाचूं हर कसम बन कराएगा हमारा अपनी दादागिरी अपने कॉलेज के लौंडों तक ही रखना चाहिए था तुझे Yeah!
निर्जरा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूं। किस लिए? तू क्यों अपने आप को परेशान कर रही है बिना वजह? तू नहीं समझेगी। तू मैं सब समझती हूं, पर अब इन बातों से कोई फायदा है क्या? बोल। अच्छा, इसी में है कि जितना जल्दी हो तू उसे अपने दिमाग से निकाल दे, समझी? चल उठ, चल चल। नर्स, इंजेक्शन लाओ जल्दी, फास्ट। अरे कहाँ चला गया? बच तो वो गया है, लेकिन ना वो कुछ समझ सकता है, ना ही किसी को पहचान सकता है। He's just like a vegetable. It's really very sad, लेकिन राधे की हालत में सुधार लाने की हमारी हर कोशिश नाकाम रही, और इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। हाँ हाँ कहिए। मैं तो एक डॉक्टर हूं, फिर भी मैं भगवान में विश्वास रखता हूं। जब भी कभी मैं बीमार पड़ता हूं ना, तो मेरी मां दवा से पहले मुझे प्रसाद खिलाती है। यह सिर्फ श्रद्धा की बात है, इसमें कोई तर्क नहीं चलता, क्योंकि हमारी दुनिया में दवा और दुआ दोनों का महत्व है। बिल्कुल। तो मैं भी कुछ ऐसी ही बात करने जा रहा हूं। आप लोगों ने श्रीपुर धाम का नाम तो सुना होगा, हालांकि मेडिकल साइंस इसे नहीं मानती, लेकिन वहां के स्वामी शीलभद्र जी अपनी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करते हैं। अगर मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती है तो आप क्यों मानते हैं? भैया भाभी, आपको पता है वहां मरीजों को जंजीरों से बांधकर जानवरों से बदतर हालत में रखा जाता है, और आप राधे को वहां भेजना चाहते हैं? वो इसलिए कि कई बार वायलेंट होने पर वो अपने आप को और दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। देख शिव, इस लड़के ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं है, लेकिन यह बात भी सही है कि राधे जैसे कई मरीज वहां से ठीक होकर आए हैं। बात सिर्फ विश्वास और श्रद्धा की है, या तो आपको है या नहीं है। कहां है ये श्रीपुर धाम? आप तो बस उनको फोन कर दीजिए, उनके कर्मचारी खुद आकर राधे को ले जाएंगे।
क्या करने की सोच रहे हैं आप लोग? सोचना क्या है असलम, उसे वहां भेजना ही पड़ेगा। बड़े भाई आप भी किसी अरे घरे की बात सुनने बैठ जाते हैं बस। हमारे भले के लिए तो कह रहे हैं। क्या क्या भले की बात की उसने हैं? यही कि आप अपने भाई को अपने घर मत ले जाओ, उसे किसी ओझा चौकी के हवाले कर दो ताकि उस पर सच्चा झूठा मंत्र फूंक सके, भले उसके बाद आपका भाई जिया मरे। असलम, उधर वो डॉक्टर अपना गला बचा रहा है और यहां ये लोग सोचते हैं उन पे कोई बोझ ना बने। अरे इतना ही भारी पड़ता है ना अपने भाई को अपने घर ले जाना, तो मत ले जाओ। मैं ले जाऊंगा, मैं रखूंगा उसे, मैं पालूंगा, मैं संभालूंगा, मगर किसी स्वामी वामी के आश्रम जाने नहीं दूंगा। बता देता हूं, कान खोल के सुन लो आप लोग। बदतमीज गायत्री, मैंने ही इन लड़कों को सर चढ़ा के रखा है, ये सारा मेरा ही कसूर है, वरना कोई आपके साथ इस तरह बदतमीजी कर सकता है? गायत्री तुम शांत हो जाओ, देखो ये सब राधे से प्यार करते हैं इसीलिए दुखी है ना। तुम वहां बैठ जाओ। जाने दो उसे, हो सकता है इसी में राधे का भला हो। देखो असलम, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं राधे को समझ सका या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि उसके तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। माफ करना पड़े भैया। तू जानता है मैं तुझे क्यों भेज रहा हूं श्रीपुर धाम के आश्रम? क्योंकि मैं तंग आ गया हूं तुझसे। बस तुम्हारी ये मार पिटाई, ये गुंडागर्दी समय मैं ऊब गया हूं, समझा समझा के थक गया हूं तुम्हें। अब मैं चाहता हूं कि तू मेरी नजरों के सामने से दूर चला जाए और मैं चैन की सांस ले सकूं। सुन रहा है तू कुछ? ये क्या कर रहे हैं? ये देखो ना, मैं कब से डांट रहा हूं इसे, ये पलट के जवाब ही नहीं दे रहा। राधे अब मैं भी तेरे साथ स्टेशन पर बैठा रहूंगा, हम कॉलेज के बाहर बैठेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, मैं भी आऊंगा तेरे साथ। तू ठीक हो जा मेरे भाई, तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा। भाभी राधे को लेने वह नहीं है। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, मार दूंगा। ये प्यार में
क्यों होता है। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। इश्क कितना रुलाए, सारी दुनिया बुलाए, बेकरारी बढ़ाए, चैन एक पल आए। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए, बस खिजा मिली इस बहार में, उम्र कट रही इंतजार में। क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ये पल कहीं ठहरा नहीं, यादों पे तो पहरा नहीं, जब दवा से भी जख्म न भरे, ऐसे हाल में सोचो कोई क्या करे। क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। चंदर, मुझे कोई नहीं बता रहा कि राधे कैसा है, उसे कहां ले गए, तुम्हें तो पता होगा ना। वो उस जगह पे लड़कियां नहीं जाती ना, इसलिए। लेकिन ठीक हो जाएगा राधे, आप टेंशन मत ही लो, मैंने भगवान जी से कह दिया है और उन्होंने भी मुझसे कहा है कि ठीक हो जाएगा राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
त्र्यंबकं यजामहि सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्यु मोक्ष मामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधि पुष्टि वर्धनेन करस्पर्शेन वत्सल विमलेन च देखो रामेश्वर कितने सच्चे मन और भावना से पाठ कर रही है। जाने कौन बीमार है, अरे इसने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? नहीं, सुबह से ही पाठ में लगी है। सुबह से? हाँ, इसके कॉलेज का एक लड़का है जो 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 श्रीपुर जी के आश्रम में पढ़ा है। मृत्यु मोक्ष मामृता ओम त्र्यंबकम्। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है ये लड़की। किसी अनजान आदमी के लिए सुबह से शाम भूखे रहकर पाठ कर रही है। वो कोई अनजान आदमी नहीं है गुरुजी। तो सुगंधि पुष्टि वर्धन रामेश्वर लड़का निर्जरा के कॉलेज का ही है और निर्जरा उससे बोलो प्रेम करती है गुरुजी। मृत्यु मोक्ष ममृता ओम त्र्यंबकम् यजामहि। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुक बंधनात् मृत्यु मोक्ष मामृता ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधि। निर्जरा, ये रामेश्वर जो कह रहा है सच है? हाँ बाबा। हे भगवान, मैंने कोई अनर्थ नहीं किया बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये गलत नहीं तो और क्या है? माना उस लड़के के उपकार है हम पे, तुम्हारी बहन का घर फिर से बसा दिया उसने, तो क्या बदले में तुम खुद को उसे सौंप दोगी? सौंप चुकी हूँ बाबा। हाँ? अपना मन सौंप चुकी हूँ बाबा, और मेरा मन मेरे शरीर से कोई अलग तो नहीं। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्यु मोक्ष मामृतात् ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधि पुष्टि वर्धनम्। ए क्या हो रहा है?
इस तरह जी छोटा करने से कैसे चलेगा? मैंने कभी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। तुम चिंता मत करना, वो जल्दी वापस आ जाएगा। हमारा राधे वापस आएगा, तुम देखना। रामेश्वर जी, रामेश्वर जी। कौन? निर्जरा? रामेश्वर जी, मुझे बस एक बार राधे के पास ले चलिए। मैं सारी उम्र आपका ही उपकार नहीं भूलूंगी। ठीक है, सुबह चलेंगे।
निर्जरा तो रामेश्वर के साथ श्रीपुर धाम गई है। उसके कॉलेज का लड़का वहाँ भर्ती है, उसे देखने। कह रही थी लौटने में रात हो जाएगी। ये आपके घर की चाबी। सुनिए, पुजारी जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। पुजारी जी? हाँ, उस लड़की के पिताजी, निर्जरा के। ओ, निर्जरा, देखा है ना उसकी हालत। हम क्या नहीं चाहते थे कि तुम्हारी जैसी बहू हमारे यहां आती, पर शायद शायद अब यह मुमकिन नहीं है। मेरा भाई ठीक ठाक होता ना तो मैं खुद तुम्हारे पिता से हाथ जोड़कर मेरे भाई के लिए तुम्हें मांग लेता। लेकिन अब इसके बारे में सोचना, इस बात की उम्मीद रखना कि अब वो बेकार है, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। देखो निर्जरा, केवल अपनी खुशियों का ख्याल रखकर दूसरों को दुख देना अच्छी बात नहीं है। तुम तो जानती हो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भले के अलावा और कुछ नहीं सोचा। जिस पिता ने तुम्हें जीवन दिया है उन्हें अपने हट के कारण मौत मत देना। मान रख लेना उनका। Na 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 na
प्रियनान्त्वा गणपति गङ्गवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति गङ्गवामहे। आचार्य जी, विवाह का शुभ मुहूर्त कब का निकलता है? महंत जी, जुलाई 10 तारीख बैसाख शुक्ल पक्ष दशमी शुक्रवार सुबह 6:15 पर अश्विनी नक्षत्र युक्त मिथुन लगन मेष राशि में अच्छा मुहूर्त निकलता है। सब खत्म हो गया खेल, लगता है निर्जरा की शादी रामेश्वर से हो ही जाएगी। चुप। ए असलम, उसे क्यों मार रहा है यार? साला जब भी बात करता मनुष्य वाली बात करता है। मना नहीं अपना राधे, बीमार है वो, देखना ठीक होते ही आ जाएगा वो। कब आएगा? कब? शादी हो जाने के बाद? नहीं यार, जल्दी आएगा वो, मेरा दिल कहता है वो जल्दी आएगा यार। असलम, ए असलम, ए असलम, असलम। इधर जाता है, चल उधर चल। अमर्षेण पुरा अभिभूतेन मया अनुभूतं स्नेहस्य माधुर्यं यस्य जानामि तस्य हृदयं पूर्णतया जानाति च सामा तथैव सदया। एतन्ना अमृतमक्षयमद्वैतम् आत्मा परमात्मा मिलनस्वरूपम् न भविन्न भवेत् कदापि विनष्टम् जानन्तु सर्वे सत्यमिदम् अमरम्। अभिभूतेन मया अनुभूतं स्नेहस्य माधुर्यं यस्य जानामि तस्य हृदयं पूर्णतया जानाति च सा मां तथैव सदया। एतन्ना अमृतमक्षयमद्वैतम् आत्मा परमात्मा मिलनस्वरूपं न भविन्न भवेत् कदापि विनष्टं जानन्तु सर्वे सत्यमिदम् अमरम्। अमर्षेण पुरा अभिभूतेन मया अनुभूतं स्नेहस्य माधुर्यं यस्य जानामि तस्य हृदयं पूर्णतया जानाति च सा मां तथैव सदया।
भगवान जाने क्या आया इसके मन में कि जहर खा लिया और सो गया हमेशा के लिए। चले गए मेरे लिए जना, चले गए। मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, जान से जान को कौन जुदा कर पाता है। तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम, हो नहीं कोई किनारा सनम। तेरे नाम हमने है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। राधे, 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 राधे।